उद्देश्य हमारा छात्र संघ चुनाव का मुद्दा है, सरकार उस पर 2018 का जो वादा है उसको पूरा करवाना चाहते हैं हम। उनको याद दिला रहे हैं बार बार कि इस वर्ष विलंब ना हो और अपने वादे को सरकार पूरा करे। वहीं 21 तारीख को हमारा स्थापना दिवस, 6 तारीख को हमारा स्थापना दिवस है 21वां, उसके लिए इनविटेशन देने हम यहाँ आज सोनीपत में आए थे और मुझे पूरा भरोसा है ज़्यादा साथी यहाँ पहुँचे। स्थापना दिवस किस प्रकार से मनाया जा रहा है, कहाँ मनाया जाएगा सर? बहुत जोश उत्साह के साथ इस बार हिसार में मनाया जाएगा और जैसे हम अपनी भीड़ का रिकॉर्ड स्वयं तोड़ते आए हैं इस बार भी ज़रूर तोड़ेंगे। उसके साथ साथ कोई बड़ा सामाजिक संकल्प लेकर के ना केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया में एक बड़ा संदेश देने का। सर जिस प्रकार से राजस्थान और दिल्ली में चुनाव होते हैं, हरियाणा में भी एक कवायद शुरू करने जा रहे हैं, किस प्रकार के जो है आगे बढ़ रहे हैं? हरियाणा में चुनाव होने चाहिए, हरियाणा की लीडरशिप पर एक वो कहते हैं कि बहुत बड़ा ताला जड़ा हुआ है और सरकार इस पर अपना वचन दे चुकी है, अब उस वचन को निभाने की बात है। मुझे उम्मीद है कि हरियाणा की सरकार, मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी और तमाम लोग इस बात का संज्ञान लेकर के बहुत जल्द हरियाणा की तिथि भी घोषित कर देंगे। सर जिस प्रकार से नूह मेवात के एक काफ़ी हिंसात्मक घटना हुई जिसमें काफ़ी लोग घायल हुए हैं, कुछ लोग जो हैं उनकी मौत भी हुई है, बहुत अनफॉर्चुनेट है। हम इसकी कड़ी से कड़ी और बड़ी से बड़ी शब्दों में इसकी निंदा करते हैं। हरियाणा हरि का निवास, बहुत पीसफुल प्रदेश रहा जहाँ पर कभी भी इस तरह की जाति पाति धर्म मजहब पर बांटने वाले लोगों की चली नहीं। अगर ऐसा हुआ है ये गलत दिशा और एक गलत संकेत दे रहा है, इसको आज ही काउंटर करना ज़रूरी है। मैं आज भी सभी लोगों से अपील करता हूँ शांति बनाए रखें, उन लोगों की पहचान करें जो आप लोगों को बिढ़ाना चाहते हैं, आप लोगों को डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं, वो कौन सी फोर्सेज हैं उनको काउंटर करें, ऐसी ताकतों से बचें। मैं सभी भाइयों से कहूँगा चाहे वो इस पक्ष के हैं या उस पक्ष के हैं कि हमने साथ रहना है। ये लोग आएंगे, भिड़वाएंगे और चले जाएंगे, मगर बसना हमने साथ है। जब बसना साथ है, रहना साथ है, खान पान एक जैसा है, हमारा कल्चर एक जैसा है, तो फिर इन लोगों के बहकावे में ना आएँ। ये लोग अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, ये लोग अपनी राजनीति कर रहे हैं, ये लोग अपने पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के साथ आए हैं, ऐसे लोगों को तमाचा मारें, इनकी माने मारें। सर जिस प्रकार से जो रूट है, जिस रूट से यात्रा निकाली गई उस रूट की जानकारी जो है प्रशासन को नहीं दी गई, क्या मानते हैं इसको? मैं इन सब बातों पे ना जाते हुए लोगों से अपील करूंगा, बार बार लोगों से अपील करूंगा कि पहचानो ये लोग कौन है, ये दुश्मन कौन है समाज के जो इस तरह की व्याख्या दे करके आपको भिड़वाना चाह रहे हैं। सर तो मैं फिर कह रहा हूँ कि अभी भी बहुत प्रयास किए जाएंगे, हमें पता था कि ऐसा होगा और होते हुए भी सबके बावजूद इतना नुकसान हरियाणा का हुआ। आगे भी मैं कह रहा हूँ, सचेत कर रहा हूँ कि अभी भी और ऐसा हो सकता है, बहुत सारे लोग बहुत बड़े षड्यंत्र हरियाणा के खिलाफ रच रहे हैं। राजस्थान में इलेक्शन है, उसमें फ़ायदा लेने के लिए बहुत सारी ताकतें वहाँ से लगी हुई हैं, मेवात राजस्थान का लगता हुआ हिस्सा है, ऐसे लोगों पर लगाम लगाई जाए। कतई हरियाणा को, मैंने कहा हरि के निवास को, इन लोगों को बिगाड़ने का अवसर नहीं देना चाहिए। सर 2024 के चुनाव को लेकर भी जो है आपकी पार्टी लगातार जो है प्रयास कर रही है, कहीं ना कहीं ये जो हिंसात्मक घटना हुई है या 2024 के मद्देनज़र जो है कहीं ना कहीं देखी जा रही है चुनावी प्रोपेगेंडा है, क्या मानते हैं? भाई अगर कोई भी सामाजिक या राजनीतिक या कोई भी इस तरह की ताकतें हैं उनको जनता पहचाने और उनको जनता करारा जवाब दे, काउंटर करे। इससे अगर कोई पॉलिटिकल गेन लेना चाहता है तो इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात नहीं हो सकती। हमारा एक भी परिवार का एक भी सदस्य अगर चला जाता है ऐसे माहौल में, किसी को परेशानी होती है, किसी के घर में दुख तकलीफ आती है, इससे अगर किसी को फ़ायदा होता है तो उससे बड़ा कुठाराघात नहीं हो सकता। तो क्या MP के इलेक्शन में देखने को मिलता है, MLA के इलेक्शन में देखने को मिलता है? वो जिम्मेवारी है प्रशासन की, यूनिवर्सिटी के प्रशासन की, जिला के प्रशासन की कि उसको मेंटेन करे। असामाजिक तत्व तो कहीं भी हो सकते हैं। अब लोकसभा के चुनाव में अगर हिंसा होगी तो क्या इस देश में प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे? क्या इस देश के अंदर MP के इलेक्शन नहीं होंगे? तो ये तो बिल्कुल गलत बहाना है अगर इस तरह का कोई बहाना लेकर के सोचता है कि चुनाव टाले जाएं।